ग्रेटर कैलाश की निगम पार्षद शिखा राय और समाधान अभियान एनजीओ के तहत गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सूखा राशन वितरण किया गया, जिसमें कि नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी और नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा भी पहुँचे और सैकड़ों लोगों को यहां पर राशन और दवाइयां और हवाई चप्पल इन सभी चीज़ों का वितरण किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैलाश कॉलोनी की, जहां पर आपको बता दें कि ग्रेटर कैलाश की निगम पार्षद शिखा राय और समाधान अभियान एनजीओ के तहत लोगों को राशन का वितरण किया गया, जिसमें कि अतिथि के रूप में पहुंची मीनाक्षी लेखी जो कि नई दिल्ली की सांसद हैं और नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा पहुँचे और सभी लोगों ने यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों को लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर राशन वितरण किया और हवाई चप्पलों के साथ जो दवाइयां हैं वो भी वितरण करीं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कैलाश कॉलोनी की। इस कोरोना महामारी में लगातार भारतीय जनता पार्टी और कई संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं कि जिससे कि जरूरतमंद लोगों तक जरूरत की चीज़ें पहुंचाई जा सके। लगातार राजधानी दिल्ली में कोरोना काल का प्रकोप चल रहा है और उसी क्रम में इस तरीके का अभियान भी लगातार जोर शोर से चलाया जा रहा है, जिससे कि जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें। महीने भर का राशन है, चप्पल है और विटामिन सी, विटामिन जिंक, ताकि सबकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, उसका वितरण किया गया। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कोरोना में राशन या खाना या दवाई या चप्पल सब इस नजरिए से आप देख रहे हैं? नज़रिया सिर्फ यही है कि सबके यहाँ कुछ ना कुछ तकलीफ है और ऐसी तकलीफ में जो तकलीफ में हमारे देशवासी हैं उनकी मदद करना, सहयोग करना हम सबका फ़र्ज़ है। जो भी कोई कुछ भी कर सकता है, कोई बांट सकता है, कोई अरेंज कर सकता है, कोई सामान खरीद सकता है, कोई पैसा खर्च सकता है, कोई लोगों को जुटा सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है जो ज़रूरतमंद है, तो सब अपने अपने हिस्से का काम करके जिससे जो बन पाए वो करना है, क्योंकि समाज जिंदा रहेगा तो हम सब जिंदा रहेंगे। तो कम्युनिटी का मतलब ही है कि हम सब इकट्ठे होकर एक ही लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े। जिस तरीके से ग्रेटर कैलाश में 110 कोविड मरीज हैं घर पर, मगर शिखा राय की टीम जो है उनको घर तक खाना पहुंचा रही है। जी, वो भी हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें कोरोना के जो संक्रमित लोग हैं और कभी कभी पूरे पूरे परिवार बीमार हो रहे हैं, तो कोई काम करने वाला भी नहीं है, कोई देखभाल भी करने वाला भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को घर के अंदर ही सुविधा मिले उसका प्रयास, और जगह जगह रसोई है जिसमें शिखा जी का भी अपने क्षेत्र में पूरा सहयोग है, जिसकी जो मदद हो पा रही है करने का पूरा प्रयास है। और ऐसी पहल के लिए मैं शिखा जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि अपना क्षेत्र अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। क्या क्या चीज़ें चलाई जा रही हैं आपके वार्ड? देखिए, आपको सब पता है कि इस कोरोना की महामारी से में जिस प्रकार से दिल्ली सरकार फेल हुई है और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सामने आया है। आज हमारे बीच में हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी जी रही, जो जिन्होंने राशन जो है यहाँ की उस जनता को जिनको ज़रूरत थी उनको बंटवाया। मैं पिछले दिनों खुद पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन मैं देखती थी कि किस तरह से हमारी सांसद जो हैं वो लगातार हर रोज़ मैं उनकी फ़ोटोएं देखती थी और मुझे महसूस होता था कि कैसे वो लगी हुई हैं, इसके बावजूद कि पिछली बार वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने सिलेंडर, ये कॉन्सेंट्रेटर्स, खाना जिस प्रकार से वो बांट रही थी, तो मुझे लगा कि अब ठीक होने के बाद मैं अपने क्षेत्र में जो है ये जो भोजन और इसका सारा काम हम पहले से कर रहे थे, अब राशन की आवश्यकता है, तो उनकी मदद से आज हमने यहाँ पर राशन बांटा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन इस बात की परवाह नहीं करते हुए कि वो कोरोना संक्रमित हो सकता है, वो बाहर निकल करके आ रहा है अपने नेतृत्व में, हमारी सांसद मीनाक्षी जी के नेतृत्व में, जो सेवा ही संगठन का इन्होंने एक नाम दिया है, जो पूरी लोकसभा में सभी इनके कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में कोई भोजन बाँट रहा है इनकी मदद से, कोई राशन बाँट रहा है, कोई कॉन्सेंट्रेटर्स दे रही हैं, हमें जब ज़रूरत होती है, हमारे किसी कार्यकर्ता को हम इनके यहाँ पर इनके ऑफिस में फ़ोन करते थे और जो भी कुछ संभव मदद हो सकती थी, किसी को बेड, किसी को हॉस्पिटल, किसी को कॉन्सेंट्रेटर, कोई ऑक्सीजन और अब राशन, तो हम इनकी मदद से वो कर रहे हैं। हम अपने नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं जो इनके इस तरह के कार्य से प्रेरित होकर के हम भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।